press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे जल्दी भारत को यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर मिलने वाली है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को घबराहट हो रही है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, जो कि जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखती हैं, नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। शैला, ये समझने की बहुत जरूरत है कि 193 कंट्रीज का सिग्नेचर लगता है अगर किसी एक नए कंट्री को वीटो पावर मिलता है, जिसमें से 193 कंट्रीज में 180 कंट्रीज ने डायरेक्ट साइन किया है कि हाँ भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। 193 कंट्रीज, वो डायस्पोरा पे थी, उस समिट पे थी, और उसमें से 180 कंट्रीज ने डायरेक्ट साइन किया है कि भारत ये डिजर्व करता है और भारत को ये मिलना चाहिए। अब भारत इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना 10.5 साल में? भाई 10.5 साल में ये मिरेकल कैसे हो गया? अब कुछ लोग बोलते हैं अंबानी ने मिरेकल करवा दिया, अडानी ने मिरेकल करवा दिया। नहीं भैया, इन्होंने कुछ नहीं करवाया है। अच्छा। इन्होंने करवाया, बल्कि ये अपने ये लोग बिजनेसमैन है, ये अपने बिजनेस को देखते हैं, इनको सरकार किसकी आ रही है और किसकी जा रही है। अभी देखो, अंबानी की शादी हुई थी तो उसमें लालू प्रसाद यादव भी गया था, अखिलेश यादव भी गया था, राहुल गांधी भी गया था, मोदी जी भी गए थे। अब क्योंकि मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री है देश के, तो उनको जो रिस्पेक्ट मिला डेफिनेटली वो राहुल गांधी। बिल्कुल, भारत अगर स्ट्रांग हुआ है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से, भारत अगर स्ट्रांग हुआ है कल्याणी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से, भारत अगर स्ट्रांग हुआ है L&T कंस्ट्रक्शन से, भारत अगर स्ट्रांग हुआ है HAL से, हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से, DRDO से, अब ये क्या है? अब लोग सोचेंगे, अच्छो मोदी ये सारी कंपनीज को फेवर कर रहा है। अरे भैया, ये कंपनीज हमारे फाइटर जेट्स बनाती है, ये कंपनीज साइंटिस्ट का काम करती है, ये कंपनीज जो है ये हमारे लिए, हमारे डिफेंस और मिलिट्रीज के लिए ऐसे ऐसे गैजेट्स बनाती है और ऐसी ऐसी चीजें बनाती है जो विदेश पे बोलता है कि आप इनको भेजो और मेरे लिए भी बनवा दो। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, जब हमारा रफाइल आ रहा था तो उसका प्रमोशन, उसका ब्रांड एम्बेसडर, उसका प्रचार हमारे मोदी जी ने किया था, जिस पर हमने एक डिस्कशन भी किया था। हम क्यों बुलाएंगे एक्ट्रेस को, हम क्यों बुलाएंगे किसी एक्टर को? भाई मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री खुद एक बहुत बड़े इस देश और इस दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर है, उन्होंने खुद किया। और जिस हिसाब से उन्होंने गुजराती एक्चुअली में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। आप नॉर्मल अगर गुजरात चले जाएंगे और वहां पर अगर आप एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप दुकान में देखिएगा, मतलब 15 साल 18 साल के बच्चे को भी, तो उसकी बातचीत से आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये माँ के पेट से ही जन्म लिया है कुछ करने के लिए और कुछ अचीव करने के लिए। गुजराती बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब पहले जब हमारा मिलिट्री सिस्टम जो इतना खूबसूरत बन चुका, हमारा डिफेंस चौथे पोजीशन पर आ चुका, हम अभी अभी इस वक्त जो है, अगर आप इंडिया डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इज ग्रोइंग लाइक नेवर बिफोर, अगर एशिया पावर इंडेक्स 2024 को अगर हम पढ़ते हैं, जो भारत नहीं निकालता है भैया, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, जो ये वर्ल्ड इंडेक्स है, इसमें US सबसे ज्यादा आ रहा है, उसके बाद चाइना आ रहा है, उसके बाद इंडिया आ जा रहा है, उसके बाद इंडिया आ जा रहा है, उसके बाद जापान आ रहा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, उसके बाद रशिया आ रहा है। तो जो डिफेंस मिलिट्री और पावर और मेक इन इंडिया का पावर था, वही एक्चुअली में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में विश्व गुरु बना चुका है। हमारा सेमीकंडक्टर जो योजना है, हमारा जो एक सोलर सिस्टम हब था, हमारा जो ग्रीन सिटी था, हमारा जो मिलिट्री को बहुत फास्ट करने का था, हमारा अग्नि 5 और मुर्मुगांव था, तो ये सारी चीजें जो है वो अब हमारे भारत देश को इतना ज्यादा शाला स्ट्रांग कर चुका है, इतना ज्यादा स्ट्रांग कर चुका है कि अब चाइना
मतलब चाइना भी नहीं सोच पा रहा है कि 10.5 साल में ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग भेज दिया मोदी जी ने कि देश इतना ज्यादा आगे बढ़ गया। अब मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूंगी कि लोग इंटेलिजेंट भारत में थे पहले, इस भारत के लोग, इस भारत में साइंटिस्ट पहले भी थे, इस भारत में के इसकी सेना पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इस भारत में इंटेलिजेंट लोग पहले भी थे, लेकिन उनको सामने नहीं आने दिया जाता था ना, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति। इसरो के साइंटिस्ट का इतना प्रचार हुआ, पूरी दुनिया में प्रचार हुआ, ये गांधी परिवार कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता था कि साइंटिस्ट का कैसे प्रचार हो सकता है जब गांधी परिवार बैठा हुआ है, तो सिर्फ गांधी परिवार के बारे में ही छपना चाहिए और गांधी परिवार के बारे में ही बात करो। हाँ, सही। क्योंकि ये सिनेरियो और ये दृश्य तो शाला हमने देखा हुआ है कि नेहरू जी को भारत रत्न अवार्ड दे दिया, इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी को भारत रत्न अवार्ड दे दिया, राजीव गांधी ने राजीव गांधी को भारत रत्न अवार्ड दे दिया। ये लोग आपस में एक दूसरे अपने आप को ही भारत रत्न अवार्ड दिया करते थे और ये तो इतिहास के पन्नों पे लिखा हुआ है, कोई भी खोल के देख सकता है। तो उस वक्त वो सिस्टम था कि कोई कितना ही इंटेलिजेंट हो, कोई कितना ही क्रेडिबिलिटी रखने वाला हो, कैपेसिटी रखने वाला हो, उसको आगे नहीं आने दिया जाता था। और अगर वो अच्छा काम करता भी था कोई व्यक्ति, दबा दिया जाता था कि गांधी परिवार के सामने कोई भी फ्रंट पेज पर नहीं आ सकता है। पर हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री का है कि देश अगर तरक्की कर रहा है, देश के लोग अगर तरक्की कर रहे हैं, देश के लोगों की अगर तारीफ हो रही है और वो फ्रंट पेज पे छप रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है। नहीं, ये तो मानने वाली बात है, मोदी साहब एक ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। और जैसे आपने एशिया पावर इंडेक्स की बात की, तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही इन 27 टॉप ऑफ द जो 27 कंट्रीज है उनमें नहीं है, और दोनों के पास वीटो है। तो ये कोशिश ये है कि हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन फ्रांस की जो वीटो पावर है या तो इंडिया को देगा या तो 6 मेंबर का जो है इजाफा होगा। लेकिन यहाँ पर एक क्रेडिट एक और पर्सन को भी जाता है, वो है डॉक्टर एस जय शंकर। उनकी स्पीच बड़ी वायरल हो रही है जो उन्होंने लतार लगाई है यूनाइटेड नेशन को, कि यूनाइटेड नेशन की मिसाल ऐसे है जैसे कैदी है, और जो ग्लोबल साउथ का लीडर है, इंडिया को आप जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर घुसने नहीं दे रहे। तो डॉक्टर एस जय शंकर ने भी जो ये रोल प्ले किया है, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, मुझे लगता है दुनिया के बेस्ट मिनिस्टर, और यही वजह कि पूरा यूरोप उनके लिए क्लैप करता है। तो उनकी जो स्पीचेस यूनाइटेड नेशन में, वो भी बहुत ज़्यादा जो है प्रेशराइज करते हुए दुनिया को दिखाई दे रही है। और पाकिस्तान का स्टांस ये है कि भारत इस वजह से वीटो चाहता है क्योंकि वो कश्मीर चाहता है, और क्योंकि अगर जब जब कश्मीर की बात होती है तो भारत को वीटो चाहिए। अगर भारत के पास वीटो आ जाता तो फिर तो कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन से हमेशा हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपने अपने मतलब का सवाल किया है, आपने अपने मतलब का। मैं सबसे पहले वीटो के बारे में एक और चीज मैं एडिशन करना चाहती हूँ। जब ये खुशखबरी हमारे पास आने वाली थी, उससे पहले बहुत सारे राज खुले, जैसे मालदीव्स के साथ, जो भी मालदीव्स ने अपने आप जो एक मनमुटाव रख लिया था, तो वो भी खुल करके सामने आया। और बांग्लादेश और खतर को लेकर के जो अभी खतर में जो प्रॉब्लम हुआ नेवीज को लेकर के, वो भी खुल करके उसका भी राज सामने आया। फिर बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका भी राज सामने आया। वो राज ये है कि चाइना, क्योंकि चाइना को पता चल चुका था कि मतलब ग्लोबली वीटो पावर अगर भारत देश को मिल जाता है तो फिर भारत डेफिनेटली सबसे पहले पीओके पर धावा बोलेगा। और चाइना क्योंकि इकोनॉमिकली अब बहुत डेविस्टेट और रुइन होता चला जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं कि इगोइस्टिक प्रॉब्लम हो रहा है कि भैया ये अगर वीटो पावर ले लेता है तब तो कहीं ऐसा ना हो कि सेकेंड नंबर पर यूएस के बाद भारत आ जाए 4-5 साल के अंदर। तो उसने मालदीव्स को पहले भड़काया चाइना ने, जिसमें पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई। उसके बाद खतर को भड़काया चाइना ने फंडिंग करके, जिसमें पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई। फिर बांग्लादेश में तो जमात इस्लामी का तो चर्चा ही आम पर ही है, और फिर ट्रीटी जो आपके साथ आरडीएक्स वगैरह का हुआ आपकी सरकार के साथ, बांग्लादेश के इंटरिम सरकार का, वो भी आप लोगों के सामने ही है। तो ये सारे चित्र खुल करके सामने आ चुके। आपने डॉक्टर एस जयशंकर की बात कही है, भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के नेतृत्व में जो कोई भी काम करता है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर बात करता है, वो कभी भी गोल गोल जलेबी बना करके बात कर ही नहीं सकता है। डरता वो है शैला बात करने में और अपनी बातों को रखने में जो गलत होता है,
अब डॉक्टर एस जयशंकर को पता है कि वो गलत नहीं है और वो जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है, तो उसमें डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। और उनकी सच्चाई को सुन करके वहां पर बैठे हुए सभी लोगों ने क्लैप किया और उनकी बातों को एक्सेप्ट बहुत बड़े बड़े देश के ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेट ने किया है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आज भारत देश, आप मुस्लिम कंट्रीज कह दीजिए, आप वेस्टर्न कंट्रीज कह दीजिए, हर कोई भारत देश से खूबसूरत रिश्ता रखना चाहता है। अब आती है आपके मतलब की बात। जब हमारे पास ब्रह्मोस है, जब हमारे पास एयर फाइटर जेट है, जब हमारे पास सबमरीन है, इंडिया हैव टॉप एयरक्राफ्ट करियर, सारी चीजें हैं। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं, कभी गौर से, कि जंगे तो हमने पहले भी 5 लड़ी थी, हम तो जीते थे, हम जीते थे ना, तो हम फिर से लड़ सकते हैं। लेकिन जो खुद मर रहा है, जो खुद दाने दाने को तरस रहा है, जो खुद मतलब अपने आप में ही कि भाई हमारे पास बड़ा हम जज्बे वाली कौम है, हम चले जाएंगे, हम मार के आ जाएंगे, हम काट के आ जाएंगे, हम तो लाए लहा पढ़ेंगे और सारे आर्मी ऑफिसर मर जाएंगे भारत के, हम तो जैसे ही बोलेंगे फिर नारे जहन्नम, सारे काफिर मर करके उनकी लाश पड़ी रहेगी। अब आप बोलो ये तो कार्टून है ना, ये जो शब्दावली आप भी तो सुनती हैं, आपकी तो वो क्लिपिंग्स वायरल भी होती है, तो ये तो कार्टून गिरी है ना, आप क्यों कार्टून बन रहे हो? तो जो खुद कार्टून बन चुका है पाकिस्तान, उससे माथा लगा करके फायदा नहीं है। वीटो पावर हमारे पास है, हम इस पूरी दुनिया में टॉप 3 कंट्री में आ रहे हैं, बड़े मोहब्बत से और नाक के नीचे से हम पीओके तो लेकर रहेंगे चाहे जो। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लायक खान जी का दमदार, बेबाक और नॉलेजेबल रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करते और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।